गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसके स्पेक्ट्रम को। साथ ही में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने तीन टर्म डिस्कस की थी, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर। ठीक है, और हमने कहा था कि इन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लेंगे न्यूमेरिकल्स को, साथ ही में इन थ्री टर्म्स के अलावा कुछ और टर्म्स यहाँ पे हम देखेंगे फटाफट से। तो फोर्थ टर्म जो हमारे पास रहेगी बच्चों वेव्स के लिए, वो रहेगी आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल्स एट अ पॉइंट इन वन सेकेंड। सिंपली कहें तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी आप एक किसी भी एक सेकंड में टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो आपकी ट्रेवल करती है, प्रोपगेट करती है, उसे कहेंगे उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब सिंपल क्या होता है? स्पीड से होता है। अगेन से कि किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है, यानी इसको हम किसे डिनोट करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी सिंबल से। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बताया था कि जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो आपकी मूव करती हैं, ट्रेवल करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं एट द सेम स्पीड ऑफ लाइट, जो होती है 3 × 10⁻¹। इसीलिए इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, जो हमारा रहेगा 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं वेलोसिटी की, ये हो गया आपकी मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि वेलोसिटी जो होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से किस प्रकार से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो लिखेगा यहां पे रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। ये रिलेशन रहेगा यहां पे कि आपका जो वेलोसिटी होता है यानी कि सी, वो इक्वल होता है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव है वो आपका क्या है? इक्वल है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी जो होगा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। कितना हो जाएगा? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। दैट इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा। As we know that, हमें पता है, क्या पता है हमें बच्चों? हमें ये पता है कि न्यू बार यानी कि वेव नंबर जो होगा वो हमारा इक्वल होता है किसके? 1/λ के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू 1/λ। तो 1/λ को हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे? न्यू बार यानी कि वेव नंबर। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन हो गई सी न्यू बार। ठीक है, तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड एनी वेव नंबर्स। ठीक है, ये रिलेशंस रहेंगे। ये फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। दिस फॉर्मूला इज यूज टू फॉर कैलकुलेट वेव नंबर्स एंड दिस फॉर्मूला, यानी कि यहां से अगर हमें कभी भी वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो तो यहां से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे पास रहेगा कितना? वेवलेंथ रहेगा हमारे पास में सी अपॉन वी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्राई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में एक और टर्म होती है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि एम्पलीट्यूड जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ये। हमें पता है कि आपकी जो वेव होती है वो आपके ट्रेवल प्रोपोगेट करती है वेव फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहाँ पे हमने कहा था कि ये दो आपकी क्या है? क्रिस्ट, और ये दो क्या आपके थ्रो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कहलाएगी आपकी क्या? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा किसी भी वेव का? तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? किसी भी क्रिस्ट की जो हाइट होती है यानी यहां से लेके यहां तक, और किसी भी थ्रो की जो आपकी डेप्थ होती है यहां से लेके यहां तक, इसे हम कहेंगे बच्चों एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड किसी भी ट्रेवलिंग वेव जो होती है, प्रोपगेटेड वेव जो होती है, उसके अंदर प्रेजेंट कोई भी क्रिस्ट और थ्रो दोनों की हाइट। क्रिस्ट की तो क्या होगी? हाइट, और थ्रो की क्या होगी? आपकी डेप्थ। इसे कहेंगे उसका
एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है कोई भी टू क्रिस्ट और कोई भी टू थ्रो के बीच के डिस्टेंस है। वहीं पे एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड आपका कोई भी वेव जो है वो जो प्रोपोगेट कर रही है उसमें प्रेजेंट क्रिस्ट और थ्रो, क्रिस्ट की हाइट और थ्रो का डेप्थ, ये कहलाएगा इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे अपनी सारी कंप्लीट हो जाती हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, फटाफट से लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए देखिए किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे पास में इनसे रिलेटेड आएंगे और उन्हें कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, हमारे पास क्वेश्चन जो है ए येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम लैंप ऑफ सोडियम हैव वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। कितना है? नैनोमीटर। ठीक है, देन कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि जब भी सोडियम लैंप से हमारी कुछ रेडिएशंस इमिट होती हैं तो उन रेडिएशंस की जो हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की वो कितनी की? 580 नैनोमीटर। यानी हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है। जब हम इसका आंसर निकालेंगे, हमारे पास क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है लैम्डा। कितना है? 580 नैनोमीटर। मीटर में चेंज कर लेते हैं इसको, 580 इंटू 1 नैनोमीटर। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 10^-9। तो ये हो गया आपके पास मीटर में आ गया। ठीक है, कितना हो गया? 580 इंटू 10^-9 मीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ हमें यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। क्या हमें कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अब सी यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जो कितना होता है? 3 × 10^8। मैंने आपको बताया था कि हर प्रकार की ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, उन सभी की स्पीड कैसी होती है? अबाउट द सेम स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 10^8 डिवाइड बाय 580 × 10^-9। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितना हमारे पास आ जाएगा? न्यू इज इक्वल टू 3 × 10^8 इंटू, ये माइनस का 9 है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 9 डिवाइड बाय 580। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 8 और 9 17 हो गया। ठीक है, 8 और 9 कितना हो गया? पावर में 17। अब यहाँ पे 3 जो हमारे पास में है इसको हम लिख देंगे 3000। कितनी लगा दी हमने? 30 यहाँ से कम कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा? 10^14। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करेंगे फटाफट से, कितना हो जाएगा? 29 150। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड लगाते हैं तो 29 × 5 5.50 29 × 2 1 30 1 over 20 21 0 144, लगभग ये 9 के आसपास मान लीजिए, 5.19 × 10^14 हमारे पास क्या जाएगा? हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने कर ली कैलकुलेट, क्या फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड हमें कैलकुलेट करना है वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर का रिलेशन क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला होता है हमारे पास वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 580 × 10^-9।
ये जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। सॉल्व कर लेंगे इसे, कैसे करेंगे, वन रख दीजिए यहाँ पे इंटू टेन इंस टू पावर, ऊपर जाएगा क्या जाएगा, नाइन डिवाइड बाई फाइव एटी, यहाँ पे आप लगा दीजिए 30, यहाँ से आप 3 वैल्यू कम कर दीजिए, 10 टू पावर 6 बचेगा आपके पास, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका 29, 100 को डिवाइड करेंगे 50 से, ये आ जाएगा आपका लगभग लगभग 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर 6 आपके पास में निकल जाएगा, क्या वेव नंबर कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ठीक है। जो आपका इसकी जो यूनिट मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में। तो सिंपल सा हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या दिया गया था, वेवलेंथ गिवन था। अब जब हमें वेवलेंथ गिवन है तो नैनोमीटर में है तो इसे मीटर में चेंज कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमें इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी, जो हमारे पास क्या होगी, सी अपॉन लैम्डा, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पे सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है रखा अपन ने, सॉल्व कर लिया। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है, तो वेव नंबर हम निकालेंगे 1/λ के फॉर्मूले से, हमें निकाल लेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसे कंप्लीट करते हैं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट यहां पे कंप्लीट कर लिया होगा आपने, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्टेन रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी एट 980 किलोहर्ट्ज़, then what is the wavelength of electromagnetic radiation of ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हमारे पास में यहां पर है, क्वेश्चन क्या है कि एक सर्टेन रेडियो स्टेशन हमारे पास यहां पे दिया गया है जो आपको ब्रॉडकास्ट करता है किस फ्रीक्वेंसी पे, ये ब्रॉडकास्ट करता है आपको फ्रीक्वेंसी 980 किलोहर्ट्ज पर। तो जब ये 980 किलोहर्ट्ज पे आपको ब्रॉडकास्ट करता है फ्रीक्वेंसी को, तो हमें इस रेडियो स्टेशन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट, आंसर सिंपल सा रहेगा आपके पास बहुत, कि वी नो दैट कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है सी अपॉन लैम्डा। यहां से हमें क्या निकालना है, देखो फ्रीक्वेंसी हमें यहां पे गिवन है कितनी है, देखिएगा न्यू हमें यहां पे गिवन है 980 किलो हर्ट्ज। सबसे पहले आप इसे चेंज करेंगे हर्ट्ज के अंदर, किलो हर्ट्ज को जब हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 980 इंटू 10 टू पावर 3 हर्ट्ज। एंड वी नो दैट कि 1 हर्ट्ज की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो आपकी इक्वल होती है 1 साइकिल पर सेकंड के, तो इसे लिख सकते हैं 980 इंटू 10 टू पावर 3 सेकंड इनवर्स भी, ठीक है, क्योंकि जितना वैल्यू आपका हर्ट्ज में होगा उतना वैल्यू इसमें होगा साइकिल पर सेकंड में भी होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें सी की वैल्यू में ऑलरेडी पता होता है ये कितना होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8। हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना बच्चों, लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना जाएगा सी अपॉन न्यू, ठीक है, लैम्डा को उधर ले आएंगे, न्यू को उधर भेज देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय 980 इंटू 10 टू पावर 3। अब देखिएगा 10 टू पावर जब आपका 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया तो यहां पे कितना बचेगा आपके पास 10 टू पावर 5 बचेगा, कितना बचेगा 3 इंटू 10 टू पावर 5। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 3000 में, तो यहाँ पे आप 3 वैल्यू कम कर दिए 10 टू पावर 2 बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 980 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया आपका 49, ये हो गया आपका 150, ठीक है, डिवाइड करें इसको कितना आपके पास आएगा 49 इंटू 149 टू 103 3 पॉइंट समथिंग,
पॉइंट यहाँ पे रहेगा आपके पास 147,300, 3.0 300, 3.0 अबाउट 6 × 10^2, या 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपके पास में क्या निकल जाएगा, वेवलेंथ, ठीक है, जो किस में होगा, मीटर में होगा, क्लियर। तो देखिए बच्चों, इस तरह से यहाँ पे अपन ने वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास में एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा होता है, तो यहां से, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से तो आप क्या निकाल सकते हैं, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें यहाँ पे लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे वेवलेंथ गिवन होगी तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तो हमें कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी एज वेल वेवलेंथ को, और कभी कभी हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना हो तो वेव नंबर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। उसके लिए हमें पहले लैम्बडा गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो ये फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास रहेगा वो ये है आपका, द विजिबल रीजन, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 nm, टू रेड जिसका होता है 760 nm। आपको पता ही है, कल हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था तो हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका जो विजिबल रीजन होता है उसके अंदर आपका वेवलेंथ जो इंक्रीज होता है वो होता है फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। तो वॉयलेट जो है उसकी नैनोमीटर में कितनी दे रखी है आपको, 400, और रेड की दे रखी है आपको 760 nm। क्या कहा, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसीज। सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो वेवलेंथ आपको यहां पे गिवन है, ये वाली, ठीक है, जो वेवलेंथ आपको यहां पे गिवन है, इन वेवलेंथ को हमें फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। तो यानी सिंपली बात है कि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, जो हमारे पास कितना होता है, सी अपॉन लैम्बडा होता है, ठीक है। अब फॉर फर्स्ट, यानी कि जब हम निकालें किसके लिए, वॉयलेट कलर के लिए, तो हमारे पास क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। सी की वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, हमें पता है 3 × 10^8, और वॉयलेट के लिए लैम्बडा की वैल्यू कितनी गिवन है, 400 nm। नैनोमीटर मतलब 400 × 10^-9, सॉल्व कर लेंगे, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, इजी है, ठीक है। और इसके बाद में क्या करेंगे, सिंपल कर ही लो, क्या दिक्कत है, 3 × 10^2, ये ऊपर जाके कितना जाएगा, 17, यहाँ पे इसे 14 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 300, चलो 15 में कर लेते हैं, 300 ले रहे हैं, डिवाइड बाय 400, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 3/4 हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो कितना आ गया, 0.75 × 10^15 हर्ट्स हमारे पास आ रही इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। ऐसे हम सेकंड के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, इसके लिए रेड के लिए, तो ये जगह सी अपॉन लैम्बडा, सी कितना है, 3 × 10^8 डिवाइड बाय लैम्बडा कितना है, 760 × 10^-9, आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन आपके पास में आते हैं रिलेटेड टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज एंड वेव नंबर, ठीक है बच्चों। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जो आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, और उनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन,
the wavelength of blue light is 480 nanometer, then calculate its frequency and wave number. बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है कि आपके पास में एक ब्लू लाइट की वेवलेंथ गिवन है 480 नैनोमीटर, तो इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है एज वेल वेव नंबर भी कैलकुलेट करना है. सेकंड क्वेश्चन आपके पास रहेगा, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर फॉर EMR रेडिएशन हूज वेव लेंथ इज 5800 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको वेवलेंथ गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए भी आपको फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना है. कर लेंगे आसानी से. यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आपको दिया गया है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10^-10 मीटर होती है. इसे पहले इसमें चेंज कर लीजिएगा और चेंज करने के बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा इसकी फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर को. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं एज अ होमवर्क और इसके आंसर आपको रिप्रेजेंट करना है कमेंट बॉक्स में. ठीक है, और इसके बाद अब फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा. हो गया. अब हम जो सेकंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास रहेगा आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हालांकि हम इसको थोड़ा सा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी किसके अंदर, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा में, लेकिन उसके पीछे का थोड़ा बेसिक मैं आपको आज यहां पे क्लियर करूंगा कि इमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रास, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, ये सब आपके क्या होंगे. अगर हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, तो देखिएगा ध्यान से कि जब भी हम किसी प्रिज्म से, व्हेनेवर वी पास एनी ऑफ व्हाइट लाइट, यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक व्हाइट लाइट जो है वो पास करते हैं किससे, प्रिज्म से. यहाँ पे क्या रखा आपके पास, प्रिज्म. ठीक है, तो जैसे ही आप एक व्हाइट लाइट को पास आउट करते हैं प्रिज्म से, तो प्रिज्म में ये आपका क्या हो जाता है, 7 लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाता है, दैट इज विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर. ठीक है, समझ रहे हैं कि व्हेन एवर व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 लाइंस, दैट इज विबग्योर. ठीक है, ये लाइंस जो है वो हमें इस तरह से ऑब्टेन होती हैं, जैसे यहाँ पे आपका वॉयलेट कलर होगा, तो वॉयलेट कलर के साथ में इंडिगो कलर क्या रहेगा, आपका मर्ज फॉर्म में रहता है. ठीक है, फिर उसके बाद ब्लू कलर जो है वो इंडिगो में मर्ज रहेगा, इसके बाद जो आपका ग्रीन कलर है वो आपका ब्लू में मर्ज रहता है, इसके बाद आपका येलो कलर ब्लू में मर्ज रहेगा, ऑरेंज कलर येलो में मर्ज रहेगा, एंड रेड कलर आपका ऑरेंज में मर्ज रहेगा. मतलब कहने का मतलब ये होता है कि यहां पर हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें आपके ये 7 के 7 कलर बैंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे में मर्ज रहते हैं या डिसकंटीन्यूअस होते हैं. ठीक है ना, ऑल कलर स्पेक्ट्रम जो यहां पर आपको ऑब्टेन होते हैं आर मर्ज्ड इन ईच अदर, ये जो कहें और डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस. ठीक है, क्या बोले कि जब भी हम किसी व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो हमें 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें ऑल 7 कलर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डिस्क्रीट नहीं होते, एक दूसरे के अंदर मर्ज रहते हैं. ठीक है ना, तो इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें सारे के सारे कलर एक दूसरे पे मर्ज्ड फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं एक के बाद एक, तो उस स्पेक्ट्रा को बोलते हैं बच्चों कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. 2 स्पेक्ट्रा हमारे पास में होते हैं टोटल, एक होता है हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, एक होता है हमारे पास में लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो हमारे पास रहेगा वो कैसा रहेगा,
कि जब भी हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करें तो हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है, क्या वो सेवन कलर में आपका स्प्लिट होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम में ईच एंड एवरी कलर का जो बैंड होता है वो एक दूसरे में मर्ज्ड फॉर्म में होता है, कि जैसे मान लो आपका वॉयलेट कलर यहाँ प्रेजेंट है तो वॉयलेट के कंटिन्यूस चलते चलते आपका अचानक से क्या जाएगा, वॉयलेट कलर के साथ में इंडिगो कलर आपका मर्ज फॉर्म में रहता है, इंडिगो कलर के साथ में ब्लू कलर उसके साथ में मर्ज फॉर्म में रहता है, ग्रीन कलर उसके साथ में आपका मर्ज फॉर्म में रहता है, मतलब एक दूसरे के अंदर मर्जिंग रहती है इनकी, ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। सिंपली ये एग्जांपल हम नेचर में भी देखते हैं, जिस तरह से हमारे पास सनलाइट जो होती है उस सनलाइट से हमारे पास स्काई के अंदर क्या बन जाता है, रेनबो। क्या बनता है? रेनबो। तो रेनबो का जो बनना होता है हमारे स्काई के अंदर है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो स्पेक्ट्रा कैसा है आपका, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है आपका, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में आपने जान लिया कि व्हाट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम जहां पे हमें सारे कलर के बैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के मर्ज फॉर्म में मिलते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में मिलते हैं, उस स्पेक्ट्रम को कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, नेक्स्ट स्पेक्ट्रा की बात करें तो देखिए फटाफट से, जब भी हम किसी प्रिज्म से, सेकंड हमारे पास क्या रहेगा आपका, लाइन स्पेक्ट्रा। क्या रहेगा? लाइन स्पेक्ट्रा। जब भी हम किसी प्रिज्म से लाइट को पास करें, ठीक है, समझ रहे हैं, जब भी हम किसी प्रिज्म से क्या करें, किसी रेडिएशन या किसी लाइट को पास करते हैं और ऐसा करने के बाद में हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे केवल ब्राइट लाइन्स के फॉर्म में हमें क्या हो, ऑब्टेन हो स्पेक्ट्रा, ठीक है, समझिए। जब भी हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं किसी रेडिएशन या लाइट को और ऐसा करने के बाद में फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें कंटिन्यूसली हमें बैंड्स ऑब्टेन नहीं हो, ठीक है, इफ ऑल कलर बैंड्स आर ऑब्टेन एट फोटोग्राफिक प्लेट इन डिस्क्रीट फॉर्म और इन डिसकंटिन्यूअस। और इन फॉर्म ऑफ लाइन्स, तो इस स्पेक्ट्रम को कहेंगे बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया आपको कि जब भी प्रिज्म से लाइट को पास करने के बाद में फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर हमें बैंड कलर बैंड्स मिल रहे हैं एक दूसरे में मर्ज्ड फॉर्म में कंटिन्यूस फॉर्म में, तो उसे कहा अपने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बट अगर हम किसी प्रिज्म से लाइट पास करते हैं और लाइट पास करने के बाद में अगर हमें वहां पे कलर बैंड जो है वो आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स डिस्क्रीट लाइन्स के फॉर्म में मिले, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में मिले, तो उस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। बहुत सिंपल सा आपके पास में कंपैरिजन है यहाँ पे कि अगर हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे सारे कलर बैंड्स मर्ज्ड फॉर्म में मिलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में मिलेंगे तो उसे बोलेंगे क्या, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपका एक तरह का नेचुरल स्पेक्ट्रम भी होता है जो हमें देखने को मिलता है इजिली रेनबो के फॉर्म में, ठीक है। और लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो किसी केमिकल सब्सटेंस के लिए होता है, जब हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट लाइन्स के फॉर्म में वो मिलते हैं, अलग अलग डार्क लाइन्स के फॉर्म में मिलते हैं, ब्राइट लाइन्स के फॉर्म में मिलते हैं, जहां पर वो सारे के सारे लाइन्स आपस में एक दूसरे में मर्ज नहीं रहती हैं, कंटिन्यूस नहीं रहती हैं, डिसकंटिन्यूस होती हैं, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहेंगे बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब जब हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे आपके टोटल टू टाइप्स का होगा, देखिएगा बच्चों किस तरह से, ठीक है। देखिए लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे टोटल आपके टू टाइप्स का होगा, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम और अनदर वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखिए फटाफट से, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा। देखिएगा क्या कर रहे हैं, हमने यहां पर डिस्चार्ज ट्यूब ले ली है, ठीक है,
पहले लिए यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर क्या फिल किया गया है, हाइड्रोजन, क्या फिल किया गया है, हाइड्रोजन। अब डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, इस पे हमने क्या दिया, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया, क्या दिया, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमने इसको एक रेडिएशन प्रोवाइड की, ठीक है, रेडिएशन प्रोवाइड की इलेक्ट्रिक फॉर्म में एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी मॉलिक्यूल को आप किसी भी फॉर्म में क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, समझ रहे हैं। मॉलिक्यूल अपनी अभी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है, जिसे हमने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट। अब जैसे ही आपको, आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो मॉलिक्यूल है या कोई सब्सटेंस है, वो आप क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल, क्या कहलाएगा, एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ऐसा ही हमने डिस्चार्ज ट्यूब में किया, ये डिस्चार्ज ट्यूब में आपके कैथोड एनोड है आपके इलेक्ट्रोड्स, जिससे हमने इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड किया, किसको, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को। तो हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एट लो प्रेशर क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्साइट। और एक्साइट होने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद में वो ही मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को क्या करेगा बच्चों, इमिट करेगा, एनर्जी क्या करेगा, इमिट करता है, ठीक है। और जब वो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस अपनी एनर्जी को इमिट करता है, वापस जब नीचे की ओर आ रहा होता है एक्साइट स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ, समझिए नहीं समझे, जब भी सब्सटेंस को आपने लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड कर दिया डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन को, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके कहां चला गया, कहां चला गया आपका, ग्राउंड स्टेट से चला गया एक्साइटेड स्टेट में, यानी मॉलिक्यूल को उस टाइप हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। अब वो एक्साइट तो रहेगा नहीं कंटिन्यूस, कुछ टाइम बाद वापस कहां मूव करेगा, ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करेगा, तो अपनी एनर्जी को इमिट करेगा। और जब ये रेडिएशंस आपकी इमिट होती हैं, ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है, इमिट हो रही है, रेडिएशंस क्या हो रही है आपकी, इमिट हो रही है। तो जब ये रेडिएशंस आपकी इमिट हो रही होती हैं, उस टाइम पे इसको अगर हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से जब इसको एनालिसिस किया, तो जो बैंड्स, जो हमें कलर बैंड्स यहाँ पे मिलेंगे, उन बैंड्स को हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। किस तरह से मिलता है देखिए फटाफट से, क्या किया हमने, डिस्चार्ज ट्यूब ली, यहां से अभी क्या निकलेंगी, इमिटेड रेडिएशन निकलेंगी, क्या निकलेंगी, इमिटेड रेडिएशन। जो आपके इमिटेड रेडिएशन जैसे निकलेंगी, उसे हम किससे पास करेंगे बच्चों, प्रिज्म से, किससे पास करेंगे, प्रिज्म से पास करने पे आपको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ब्राइट कलर की लाइंस मिलती हैं, अलग अलग कलर की, डिफरेंट डिफरेंट कलर की, कोई हो सकती है आपकी वॉयलेट हो, कोई हो सकती है आपकी येलो हो, कोई भी, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की ब्राइट लाइंस मिलेंगी, लाइंस, ठीक है, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम है, इसलिए आपको ब्राइट ब्राइट कलर की यहाँ पे लाइंस ऑब्टेन होती हैं। और आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको एक पढ़ाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन को मैंने बताया था आपको इमिशन स्पेक्ट्रम बताया था, तो सेम चीज वहां पे भी होती है, क्या होती है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को या सब्सटेंस को, एटम को, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हाइड्रोजन के एटम आपके एक्साइट होते हैं, एक्साइट होने के बाद जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं, तो अपनी एनर्जी या रेडिएशंस को इमिट करते हैं। जैसे ही रेडिएशन एनर्जी इमिट होती है, उसको हम पास करते हैं किससे बच्चों, प्रिज्म से, तो आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ लाइंस ऑब्टेन होती है। याद करो जिसे हमने कहा था लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड, ये सीरीजेस आपको मिलती है वहां पर, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलती, एक दूसरे के मर्ज फॉर्म में नहीं मिलती, आपको याद दिला दूं मैं, मैंने बताया था आपको यहाँ पे पहले ग्रुप ऑफ लाइंस मिलेगी आपको, जिसे हमने बोला था लाइमन सीरीज, फिर आपको मिलेंगी बामर सीरीज इस तरह से, फिर मिलेंगे आपको पाशन सीरीज इस तरह से, ब्रैकेट इस तरह से, फुंड, ठीक है ना। तो आपको ग्रुप ऑफ लाइंस मिलती हैं, ना कि आपको कंटिन्यूस फॉर्म में स्पेक्ट्रम मिलता है, तो इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। बट ड्यूरिंग, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि इसको इमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोला गया है, वो सुनिए ध्यान से, बिकॉज स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हमने ये बैंड्स को एनालिसिस किया, कब,
जब आपका रेडिएशन है वो इमिटेड हो रहा था, ठीक है ना। जब हमने मॉलिक्यूल को एटम को एक्साइट किया, एक्साइट करने के बाद जब वो वापस से नीचे की ओर आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो जब ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है तो एनर्जी इमिट कर रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो एट द सेम टाइम जब वो आपका रेडिएशन इमिट कर रहा है ना, उस टाइम पर हमने इसको एनालिसिस किया किसकी हेल्प से, स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको ग्रुप ऑफ लाइंस मिली हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो बहुत सिंपल सी बात है, व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम? सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्टेन व्हेन इट इज एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप ड्यूरिंग इमिशन ऑफ रेडिएशंस, इमिशन ऑफ एक्साइटेड रेडिएशन, एक्साइटेड एटम्स रेडिएशंस, ठीक है ना। जब भी हम किसी इमिटेड रेडिएशंस को या इमिटेड रेडिएशंस ऑफ एनी एटम को एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप एट फोटोग्राफिक प्लेट, तो उससे मिलने वाले स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब यहाँ पे समझ आया होगा आपको कि मॉलिक्यूल ने यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन फेज लेंगे। यहाँ पे हमने क्या भर दिया है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इससे हम क्या पास करते हैं? इससे पास करते हैं रेडिएशन को, ठीक है। अब जैसे ही रेडिएशन ने यहां से पास किया, ठीक है, तो ये रेडिएशन जो है वो आपकी ट्रांसमिटेड हो जाती है, इसके अंदर क्या हो जाएगी? ट्रांसमिटेड, ठीक है। यानी सिंपली कहें तो क्या हुआ कि इस बार अपन को इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस दिखाना है, ठीक है। इस बार आपको एनालिसिस करना है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, कब? जब आपकी रेडिएशन जो है वो क्या हो रही है, आपकी अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है, बाय द NaCl या एनी सब्सटेंस, कोई भी होगा, आप सोडियम ले सकते हो, आप पोटेशियम ले सकते हो, कोई भी, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे ट्रांसमिटेड रेडिएशन होंगी, वो ट्रांसमिटेड रेडिएशन को जब आप पास करते हैं किससे? प्रिज्म से, तो आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको डार्क लाइंस ऑब्टेन होती हैं। कौन सी लाइंस? डार्क लाइंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा आपका, लिखे ध्यान से। अब यहाँ पे जो डार्क लाइंस आपको मिलती हैं वो मिलती हैं येलो कलर की, ठीक है। अब कलर कैसा आया? येलो आया। वो किस पर डिपेंड करता है? वो करता है सब्सटेंस के नेचर पर। अगर यहाँ पे आप KCl लेंगे तो यहाँ पे आपको वॉयलेट कलर मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस यहाँ पे यूज करेंगे, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड्स आपको यहाँ पे, डार्क लाइंस आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। क्या किया हमने सिंपल से, या तो जो भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसको लेंगे गैसेस फेज में या लेंगे किसमें? लिक्विड फेज में। लिया, इससे हम पास करते हैं रेडिएशन को। रेडिएशन जैसे इसमें जाती है तो NaCl जो मॉलिक्यूल होते हैं, NaCl के जो एटम्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होते हैं आपके? एक्साइट होते हैं, पता आपको। तो वो जो आपकी ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, यानी कि NaCl से पास आउट होने वाले रेडिएशन है, उनको जब हम प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, तो वहां पे अपन को फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या मिलती है? डार्क लाइंस मिलती है येलो कलर की, क्योंकि ये NaCl सब्सटेंस है। कहने का मतलब, फोटोग्राफिक प्लेट पर आने वाले जो कलर सब्सटेंस है, कलर पॉइंट्स हैं, ये कलर पॉइंट किस पर डिपेंड करते हैं? ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? द स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्टेन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट when it is analyzed with the help of spectroscope during absorption of radiation, ठीक है, by the atoms। जब भी हम atom या कोई भी substance यहाँ पे ले रहे हैं, उसको जब absorb करवाते हैं radiation को, तो during absorption of radiation, जब हम with the help of spectroscope उसको analysis करेंगे at photographic plate पे, तो जो spectrum हमें मिलेगा वो कहलाएगा आपका absorption spectrum, ठीक है। बस थोड़ा सा फर्क क्या है, इमिशन में हम ड्यूरिंग इमिशन एनालिसिस करते हैं, और एब्जॉर्प्शन में ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन हम इसको एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। एज वेल इसमें आपको ब्राइट कलर की लाइंस ऑब्टेन होती हैं, यहाँ पे आपको डार्क कलर की लाइंस ऑब्टेन होती है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कैसा मिलेगा आपको। एब्जॉर्प्शन के दौरान क्या होता है, सिंपली कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जहां पे आपने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। और जब किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर्म में होती है, और तब अगर आप उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो आपको डार्क लाइन मिलती है बच्चों। क्या मिलती है? डार्क लाइन, इस तरह की डार्क लाइन मिलती है। डार्क क्यों मिलती है?
क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मॉलिक्यूल के पास में एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपको डार्क लाइन मिलेगी एज वेल हाई पीक मिलेंगी आपको, हाई पीक विथ डार्क लाइन्स क्यों मिलेंगी, क्योंकि आप जो स्पेक्ट्रम ले रहे हैं या स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से उसको एग्जामिन कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, जब उसके पास में मैक्सिमम एनर्जी है, तो एनर्जी हमेशा डार्क लाइन विथ हाई पीक से आपको मिलेगी। जबकि इमिशन क्या होता है, जब वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा होता है उस टाइम पे आप इसे स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से एग्जामिन करते हैं, तो आपको जिसका स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिलता है लो पॉइंट विथ ब्राइट लाइट्स, ब्राइट पीक्स मिलती हैं आपको विथ लो पीक, ब्राइट लाइन्स विथ लो पीक्स मिलती हैं आपको, ठीक है ना। तो इस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा यहाँ पे ड्यूरिंग इमिशन। एब्जॉर्प्शन के टाइम पे आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा, हाई पीक्स मिलेंगी आपको, यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है तो लो पीक्स, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही तो हाई पीक्स, एनर्जी है तो डार्क लाइन्स मिलेंगी, एनर्जी लो हो रही है तो ब्राइट लाइन्स मिलेंगी आपको। ये डिफरेंसेस होते हैं आपके इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो हमने डिस्कस किया था पहले, वो आपका एक टाइप का इमिशन स्पेक्ट्रा है, जब इमिशन, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये सारे स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने वाले या इनको एनालिसिस करने वाले जिस इंस्ट्रूमेंट की हम हेल्प लेते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करते हैं एट फोटोग्राफिक प्लेट, उसे कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपिक। स्पेक्ट्रोस्कोप तो क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट। और जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम इसको डील करते हैं उसे कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द ऑल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम्स, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में, ठीक है बच्चों। थैंक यू, स्टडीज करते रहिए आप कंटिन्यू अपनी।